बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कि आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी 11 अप्रैल से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में इसे जारी किया जाएगा। बीजेपी के इस चुनावी घोषणा पत्र में विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों को शामिल किए जाने की प्रमुख संभावना है। बीजेपी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में संसदीय बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। ये बोर्ड बीजेपी की सर्वोच्च संस्था है, जिसके सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में हाल में जारी हुए घोषणा पत्र को देखते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र पर लोगों की निगाह है, क्योंकि कांग्रेस ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया है, जिनका असर बीजेपी के घोषणा पत्र पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि आज पूरी संभावना है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है, जिसको संकल्प पत्र का बीजेपी ने नाम दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल अब शुरू हो चुका है। संकल्प पत्र पर टिकी आमजन की उम्मीदें, सभी को इंतजार है कि कब बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। और ये उम्मीदें और ये इंतजार और भी बढ़ गया है जब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं कि किन मुख्य बिंदुओं पर रखा जा सकता है घोषणा पत्र? देखिए लवीना, घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है बीजेपी ने, और सबसे अहम बात यह है कि सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या तमाम जो लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा है कि नहीं, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा जो है बीजेपी हमेशा से उठाती रही है, लेकिन केंद्र में सरकार आने के बाद राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट पर छोड़ दिया गया। ऐसे में बीजेपी का क्या स्टैंड है, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही लगीना, किसानों को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बात रखी है, या न्याय योजना की जिस तरीके से बात रखी है, इसकी काट के लिए बीजेपी क्या कुछ लेकर आती है, क्या दावा करती है, क्या वादा करती है, ये देखने वाली बात होगी लगीना जी। प्रीत, किन वर्गों को आकर्षित करने की संभावना जताई जा रही है? देखिए बीजेपी हमेशा से युवाओं को लेके काम करने की बात करती है, विकास की बात करती है, तो इस बार हमेशा से जिस तरीके से युवाओं को साथ जोड़ने की बात कर रही है, तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में बेरोजगारी के लिए कुछ जो है रोजगार के जो है वादे किए जा सकते हैं, ताकि महिलाओं को प्रभावित करने के लिए कुछ जो है वादे किए जा सकते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जो कि की जाएंगी बीजेपी की ओर से इस घोषणा पत्र में। हालांकि उम्मीद ये जरूर लगाई जा रही है कि न्याय योजना की काट में बीजेपी एक बड़ा ऐलान कर सकती है, किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर सकती है जी। प्रीत, क्योंकि 5 साल बीजेपी की जो पार्टी है वो सत्ता में रही है, तो आप ये बता सकते हैं कि पिछले घोषणा पत्र में क्या ऐसे मुख्य बिंदु थे जो कि पूरे किए जा चुके हैं या फिर उनको पूरे करने की शुरुआत की जा चुकी है? देखिए बीजेपी ने पिछले घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में ये कहा था कि राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी काम करेगी, जिस तरीके से हमेशा से बीजेपी राम मंदिर बनाने की बात करती रही है, तो केंद्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी राम मंदिर बनाएगी। हालांकि उस और बीजेपी अग्रसर भी हुई, लेकिन मामला कोर्ट में है, इसलिए बीजेपी हमेशा से ये कहती रही है कि कोर्ट के अंदर जो मामला है उसमें काम नहीं किया जा सकता। इसके साथ एक बड़ा मुद्दा था बीजेपी के पास 2014 में विकास का, बीजेपी ने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, तो अब ये देखने वाली बात है कि विकास के मुद्दे को बीजेपी आगे बढ़ाती है कि नहीं। प्रीत, कांग्रेस के घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ मुख्य बिंदु शामिल किए जा सकते हैं, ये बता सकते हैं आप? देखिए महिलाओं की बात, युवाओं की बात, रोजगार की बात, किसानों की बात, ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने उठाए हैं। ऐसे में इन तमाम मुद्दों की खार जो है बीजेपी जरूर ढूंढेगी, खासतौर पर न्याय योजना की बात जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से की जा रही, इसकी काट में बीजेपी कोई ना कोई जो दावा है, कोई वादा है, वो जरूर करेगी। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें कि आज पूरी संभावना है बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने की। आपको बता दें कि संकल्प पत्र पर सभी की अब निगाहें टिकी है। विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों को इस घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है, और आज संभावना है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है।
पूरे भारत की निगाहें इस घोषणा पत्र पर टिकी हैं, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है और 11 अप्रैल से लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने वाले हैं।